बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एनटीएस टेस्टमास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने क्लास सिक्स इस्लामियात एमसीक्यूज का सिलसिला शुरू किया था, तो उसी सिलसिले में पार्ट नंबर चार अपलोड कर लेते हैं। तीन पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ। आज का एक्सरसाइज है हमारे पास, ये देखे यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, अगर किसी शख्स के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिहाना मोहब्बत मौजूद न हो तो वो क्या कहलाने का मुस्तहिक नहीं, वो मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक सब लोगों से बढ़कर मोहब्बत न करे, किससे? नबी अलैहिस्सलाम से। और फरमाना इलाही के मुताबिक अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो इख्तियार करो नबी अलैहिस्सलाम की फरमान बरदारी। आगे क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती मुबारका को हमारे लिए बेहतरीन नमूना करार दिया है। और आगे देखे नबी अलैहिस्सलाम के तरीके को क्या कहते हैं, सुन्नत कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम हजरत जैद बिन हारिसा के बेटे थे, किसके बेटे थे? हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और आगे जो क्वेश्चन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी उठाकर नमाज अदा करते, सजदे में जाते वक्त उन्हें जमीन पर बिठाते और खड़े होते वक्त दोबारा उठाते, अपने नवासे अपनी बेटी के बेटे बेटी हजरत उमामा बिनती जैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। क्वेश्चन नंबर जीम है, हजरत हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मस्जिद में आ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अपने सामने बिठा लेते। और आगे जो क्वेश्चन है कि गज़वा मौता में हजरत जाफर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहीद हो जाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बच्चों से शफ़क़त के इजहार के लिए उनके घर जाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत का शरफ हासिल किया था 10 साल तक। आगे एक्सरसाइज देखे, दिस वन एफआई अहद के मानी है वादा की पूरा करना, एफआई अहद वादा पूरा करना, वादा पूरा न करना एक निशानी है मुनाफिक, मुनाफिकीन की तीन निशानियां हैं उसमें से एक वादा न पूरा करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई काफिर अगर मुसलमान होकर मुसलमानों से जा मिले तो उसे वापस काफिरों के हवाला किया जाएगा, ये शर्त शामिल थी सुलह हुदैबिया में, ये शर्त शामिल थी। और इसी तरह एक सहाबी को वापस किया गया था अबू जंदल को। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हर अहदा शिकन करने वाले क़यामत के रोज होंगे, उसकी एक खास सलामत होगी जो वादा पूरा नहीं करता। और आगे क्वेश्चन है कि अक्सर लड़ाई झगड़े का बड़ा सबब होता है अहदा शिकने, वादा न पूरा करना अक्सर लड़ाई झगड़े की सबब होती है। और आगे देखिए एक्सरसाइज, अपने अहम उमूर के मुतालिक दूसरों से राय जानना मशावरत कहलाती है, मशवरा करना, ये तबलीगी हज़रात जो मशवरा करते हैं ना, उसी लिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो शख्स मशवरा करे उसे शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ेगी, तो इस लिहाज से मशवरा इंतहाई अहम कदम है। जंग बदर में कैदियों को छोड़ने या न छोड़ने का फैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसकी मशावरत से किया था? हजरत अबूबकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसको थोड़ा सा कन्फर्म कर ले, ठीक है। और देखिए दाल नंबर, अल्लाह ताला उनको दरपेश मामलात में रहमाई फरमाता है जो बाहमी मशावरत करने वाले हों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जिस शख्स से मशवरा लिया जाए उसके पास वो मशवरा अमानत होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए दोस्तों, हालात का मुकाबला करना क्या कहलाता है? सब्र कहलाता है। और नेक्स्ट जो है,
मुसीबत और दुख पहुंचने पर अपने आप को शिकवा शिकायत बेकरारी और घबराहट से रोकने को सबर कहते हैं। इस तरह जीम नंबर उस्वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबर सबसे बड़ी मिसाल ताइब की सफर है। और आगे क्वेश्चन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले किस अखलाकी सिफत पर अमल करने की तकदी गई थी? सबर व तहम्मुल। और आगे एक्सरसाइज देखे दोस्तों, सरसाइज। सफर पर रवाना होने से के लिए सबसे पहले मनसूबंदी करना जरूरी है। और जीम पर आप दूसरा नेक्स्ट है कि घर से निकलने के दुआ के मुताबिक हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह ताला पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपस में पिलाओ, सलाम को आपस में पिलाओ, इसलिए हर वक्त हमें दूसरों को सलाम करना चाहिए। सफर में सबसे अहम काम नमाज की पर वक्त अदायगी है और दौरान सफर इख्तियार करना चाहिए आसान और सहल रास्ता। जी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, धोखाबाज और बददियानत शख्स का कोई ताल्लुक नहीं मुसलमानों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो शख्स मामलात में बददियानत मामलात में दयानतदारी से काम लेने की बचे, धोखा दही से काम लेता है कि बजाय होना चाहिए, उसे कहता है बददियानत। दयानतदारी से काम नहीं लेता, बददियानती करता है तो दयानत कहते हैं उसको। इस्लाम में धोखादही और बददियानती की वजह से माशरे में क्या फैलता है? आदमी एतमाद और जुल्म की हवा पैदा होती है। जहां देखिए नेक्स्ट, किसी की चीज बगैर इजाजत चुपके से ले जाना चोरी कहलाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे स्कूल या किसी के घर से चीजें चुरा कर अपने घर ले आते हैं, ऐसी चीजों का क्या करना चाहिए? इसको वापस कर देना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जैसे देखिए दोस्तों के किसी चीज के साबित यकीनी और लाजिम होने को हक कहते हैं। और आगे जो क्वेश्चन है कि इंसानों के आपस के ताल्लुकात में सबसे अहम और करीबी ताल्लुक वालिदैन और औलाद का होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरान मजीद में जा बजा अल्लाह ताला के हुकूक के साथ साथ वालिदैन के हुकूक भी बयान किए गए हैं। और जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ेगा। और दरहकीकत राह निजात है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद। आगे एक्सरसाइज देखें। नेक्स्ट एक्सरसाइज, कायनात का निजाम कायम है किस चीज पर? आदल पर कायम है। कुरैश ने सिफारिश के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा था हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। और जीव नंबर देखे, अबू सुफियान बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचाजाद भाई थे। और देखे नेक्स्ट देखे, दूसरों की ज्यादती पर उनको माफ कर देना आला काम है। और किसी पर एहसान करना ये क्या पहल है? ये इख्तियार पहल है, एहसान करें या न करें। अच्छा देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, रिफाए आमा से मुराद पला व बहबूद का काम आवामी काम है। और इस्लाम का अहम रुकन जो माशरे में गुर्बत के खात्मे का बाइस बनता है वो ज़कात है। इस्लाम में इंसानी जिंदगी की हिफाजत को फर्ज करार दिया गया, अपनी जिंदगी की हिफाजत फर्ज है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में अमन व अमान कायम रखने के लिए तमाम कबीलों से मायदे पर दस्तखत करे जिसको कहते हैं मिसाक़ मदीना कहते हैं। यहां पर मवाक़ात को क्लिक किया गया लेकिन नहीं, ये मिसाक़ मदीना है। और आगे देखिए, रिफाए आमा के कामों से मुल्क की हालत बेहतर होती है माशरती तौर पर। तो ये था दोस्तों आज का पार्ट। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।